नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर अन्नपूर्णा से और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से इम्पोर्टेंट अपडेट है ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर का एग्जाम जो होने वाला है इस साल 2024 में उसका सिलेबस और एग्जाम स्कीम अनाउंस हो चुका है और मैं अभी अभी उसको तुरंत इसी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ और इस एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे उसके लिए भी मैं आपकी मदद करूंगी यहाँ तो था था तो, तो इन्फॉर्मेशन है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इट इज इन दोस्टेंट एंजी स्टेट पोलूशन ट्वेंटी जून को जो पब्लिश किया गया था एडवर्टाइजमेंट उससे रिलेटेड है एंड कॉलेजेंडम रिलेटेड अट्ठाइस 2023 मतलब कि 22 को फिर एक करेक्शन उसमें चेंजेस अपडेट आया था दैट और, मतलब और उसमें ए टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस पर सिलेबस एक 100 सवाल होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और सिलेबस दिया गया है मैं अभी डिस्कस करूंगी टोटल मार्क्स होंगे 100 मतलब हर क्वेश्चंस

अगर आपने एक क्वेश्चन को गलत आंसर किया या फिर आपने फिफ्थ ऑप्शन या बबल जो है जिसमें की लिखा है कि नॉट वॉन्ट उसको भी चिक नहीं किया तो हर हाल में आपका एक चौथाई मार्क्स कट जाएगा इसलिए अगर आपको नहीं आंसर आता है तो आप फिफ्थ ऑप्शन को टिक मार्क करेंगे ठीक है यह समझ लीजिएगा मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ अंग्रेजी में ही एग्जाम होंगे ठीक है अ अ कैंडिडेट विल हैव टू टू सिक्योर मिनिमम ऑफ 25% मार्क्स क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट

पर इंटरव्यू के लिए तभी तो बुलाया जाएगा जब आपके कम से कम रिटर्न में पच्चीस परसेंट मार्क्स हैं अगर आपके रिटर्न में पच्चीस नहीं है तो किसी भी हाल में आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, और जो आपका होने वाला है, उसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेगी स्क्रीनिंग टेस्ट है स्क्रीनिंग मतलब कि कम से कम इतना आपको आता है तो आप आगे बढ़ेंगे कैटेगरी वाइज कैंडिडेट ठीक है समझ गए

स्लैश वाइवासेंट मार्क्स इन दब ये है। जैसे आपने अगर इन्वायमेंटल इंजीनियर का भराया तो उसका अगर आपका सब्जेक्ट इन्वाइंस है या आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ तो सब्जेक्ट नॉलेज का जो टेस्ट होगा उसमें डेढ़ सौ नंबर का होगा तीन घंटे का एग्जाम होगा सब्जेक्टिव टाइप होगा और कम से कम पांच प्रतिशत नंबर आपको लाने हैं नहीं तो आप इस एग्जाम में क्वालिफाई ही नहीं करेंगे इंटरव्यू में सवाल ही नहीं है ठीक है द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यू इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स इफ एनी और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे वो दुगने होंगे जो इस स्क्रीनिंग टेस्ट को पार करेंगे ठीक है इफ एनी ऑफ द नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज पोस्ट दे हैव द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स मार्क्साइव परसेंट और जो कैटेगरी वाइज पोस्ट एडवर्टाइज किए गए हैं उसके दुगने कैंडिडेट्स इस टेस्ट के बाद बुलाए जाएंगे लेकिन कम से कम पैंतीस प्रतिशत है यही आपका मेन टेस्ट है 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 और इसका जो वेटेज है, वो होता है। तो ये स्क्रीनिंग नहीं है इसके मार्क्स फाइनल में जुड़ेंगे अब तीसरा चरण होगा इंटरव्यू परसेंट फाइव परसेंट रिटर्न का ट्वेल्वेंट इंटरव्यू का दोनों मिला के हंड्रेड परसेंट होगा ठीक है द द द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर जुड़ेगी तो मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसमें चार गुना लोग बुलाए जाएंगे जितने पोस्ट एडवर्टाइज हैं उससे और स्क्रीनिंग के बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और इसके बाद जितने पोस्ट एडवर्टाइज हैं उससे दोगुने लोग इसके आगे के चरण में 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 इंटरव्यू ठीक है? है। तो आज सिलेबस 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 देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ़ ऑफ़ असिस्टेंट इंजीनियर, ग्रुप इन हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इकोसिस्टम इकोसिस्टम, टाइप्स इकोलॉजिकल सक्सेशन पॉपुलेशन इकोलॉजी meta population dynamics growth rates density independent growth density dependent growth plant animal interactions mutualism commensalism competition and predation trophic interactions functional ecology ecophysiology behavioral ecology community assembly organization evolution biodiversity species richness evenness and diversity indices endemism species area relationship mathematics and statistics in ecology

पर नेचुरल रिसोर्स और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप पूरा ध्यान से देख सकें और उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पोल्यूशन कंट्रोल वेस्ट मैनेजमेंट वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम्स फ्लूड मैकेनिक्स केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग

जो कि हाल ही में जो दो तीन दिन पहले एग्जाम्स हुए राजस्थान स्टी कंट्रोल बोर्ड के उसके ऊपर मैंने बनाया था और वो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसके अलावा मैं और वीडियोस इससे रिलेटेड बनाऊंगी जो आपके एग्जाम में मदद करेंगे ठीक है तो ये भी है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑपरेशन रिसर्च प्रोडक्शन कंट्रोल ये आपका सिलेबस सिलेबस है असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए आपको मैंने बता दिया प्रैक्टिस टेस्ट कई सारे आपके लिए हेल्पफुल होंगे वीडियोज हेल्पफुल होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मैं और प्रैक्टिस टेस्ट इस एग्जाम से जुड़ा हुआ आपके लिए बनाऊंगी तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए जय हिंद जय भारत